दोस्तों, फ्रेंच की जानी मानी ऑटोमोटिव कंपनी सिट्रोएन मोटर्स, जिसने भारतीय बाजार में अपनी पहली गाड़ी सिट्रोएन C5 एयर क्रॉस को लॉन्च किया। लेकिन अब दोस्तों, यही कंपनी भारतीय बाजार में अपनी दूसरी गाड़ी सिट्रोएन C3 को ला रही है। सिट्रोएन C3 दोस्तों एक सब 4 मीटर सेगमेंट की SUV है, जो कि भारतीय बाजार में लो बजट सेगमेंट की गाड़ियों में आ रही है। आज की वीडियो में दोस्तों हम सिट्रोएन C3 को कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रीजा के साथ। यह दोस्तों हमारे ऑटो कंपेयर सीरीज का एक क्विक कंपेरिजन एपिसोड होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी बातें जानने को मिलेगी जल्दी जल्दी। चलिए शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिट्रोएन C3 दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी का डिज़ाइन देख रहे हैं डिस्प्ले पे, तो दोस्तों ये गाड़ी सब 4 मीटर्स कॉम्पैक्ट SUV के अंडर में आती है। ब्रीजा की बात करूँ दोस्तों, अभी उसका भी सेगमेंट सेम ही है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों गाड़ियों के डायमेंशन वाइज, तो डायमेंशन वाइज दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। डायमेंशन वाइज यहाँ पे जो हमारा ब्रीजा है, ये सिट्रोएन के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी गाड़ी पड़ती है। जहाँ पे हम लंबाई की बात करें, तो ब्रीजा में 14 mm की एक्स्ट्रा लंबाई, 57 mm की ज़्यादा चौड़ाई और 101 mm की ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिल जाती है। डायमेंशन वाइज दोस्तों, सिट्रोएन C3 एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट की एक SUV लगती है। और ब्रीजा की बात करूँ तो दोस्तों, ये भी सेम सेगमेंट में आती है, लेकिन डिज़ाइन वाइज ये ज़्यादा आपको बड़ी फील देगी। व्हील बेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप थोड़ी हैरान हो जाएंगे। सिट्रोएन C3 की व्हील बेस है 2540 mm और ब्रीजा की व्हील बेस है 2500 mm। तो यहाँ पे सिट्रोएन वालों ने अपना जादू चलाया है। बूट स्पेस की बात करूँ, सिट्रोएन C3 का बूट स्पेस है 315 liters का और ब्रीजा का बूट स्पेस है 328 liters का। तो आसान शब्दों में देखा जाए तो दोस्तों, सिट्रोएन मोटर्स ने C3 के डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा छोटा, कॉम्पैक्ट और क्यूट बनाने की कोशिश की है, जो कि इस सेगमेंट में दोस्तों बहुत कम गाड़ियाँ कर पाती हैं। ब्रीजा की बात करूँ, ब्रीजा अपनी गाड़ियों को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। दोनों एक ही सेगमेंट, लेकिन यहाँ पे दोनों का नजरिया अलग अलग है। सनरूफ की बात करूँ तो आपको C3 में सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा, जबकि ब्रीजा में सनरूफ आएगा। इंजन्स की बात करूँ दोस्तों, सिट्रोएन C3 में आपको बहुत कमाल के 2 इंजन्स आएंगे ऑप्शन तौर पे। पहला है प्योरटेक 82, जो कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि पावर जनरेट करेगा 82 PS का विद टॉर्क ऑफ 115 Nm टॉर्क और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आ जाएगा। वहीं बात करें, दूसरा है दोस्तों प्योरटेक का 1110। दोस्तों ये जो इंजन है, ये टर्बो शायद पेट्रोल होगा मेरे ख्याल से। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि पावर जनरेट करता है 110 PS का विद टॉर्क ऑफ 190 Nm टॉर्क। हाँ, टर्बो ही हम इसे कह सकते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आएगा। तो कुल मिला के दो यही इंजन जो है दिख रहा है, ये आने वाले हैं। ब्रीजा की बात करूं तो दोस्तों, कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की, तो ये जो बात है सच हो चलिए। यहां पे ब्रीजा में एक ही इंजन है, लेकिन बहुत तगड़ा है। 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 101 BHP का विद टॉर्क ऑफ 136 Nm टॉर्क। अगर हम इस गाड़ी को नॉर्मल वर्जेंट से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ब्रीजा का इंजन कमजोर है, लेकिन टर्बो से कंपेयर करें तो टर्बो में भी सिट्रोएन बाजी मार रहा है। लेकिन इंजन की क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे ब्रीजा आपको 4 सिलेंडर का इंजन दे रहा है, साथ ही साथ स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कौन सा इंजन ज़्यादा सही है। अगर आप मेरे नज़रिए से देखोगे दोस्तों, पावर के नज़रिए में टर्बो सिट्रोएन ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर हम बात करें इंजन साइलेंस के मामले में, तो इस मामले में मुझे ब्रीजा ज़्यादा यहाँ पे अच्छा इंजन नजर आ रहा है। वरना गाड़ी लॉन्च होगी, चलाने पे समझ आएगी कि क्या सिट्रोएन में क्या खास है। माइलेजेस की बात करूँ तो माइलेज वाइज दोस्तों, सिट्रोएन C3 करीबन 19.8 KMPL का माइलेज क्लेम कर रही है पेट्रोल पर, और ब्रीजा दोस्तों मैक्सिमम 20.15 KMPL का माइलेज क्लेम कर रही है। तो माइलेज ARI के अनुसार दोनों का बिल्कुल आसपास सेम लगता है, लेकिन ऑन रोड कंडीशंस में पता चलेगा कौन सी गाड़ी कितनी देगी। अगर आप मुझसे मोटा मोटा अंदाजा लगाने की कहें तो दोस्तों, सिट्रोएन जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं 15 से 18 के एवरेज, और ब्रीजा कहीं ना कहीं 15 से 18 के एवरेज दोनों निकाल देगी। ये मेरा अंदाज़ा है, हालांकि एवरेज दोनों का लगभग सेम ही आने वाला है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ दोस्तों, सिट्रोएन C3 में आपको देखने को मिलता है 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। ऐसा डैशबोर्ड इंडिया में मैंने आज तक नहीं देखा, काफ़ी ज़्यादा हम इसे यूनिक कह सकते हैं। एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन और 4 स्पीकर आ जाते हैं। और ये डैशबोर्ड दोस्तों कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्रीजा की बात करूँ, ब्रीजा में दोस्तों भी इस बार नया डैशबोर्ड दिया गया है, जो कि करीबन 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम इसमें आता है। एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन, 4 स्पीकर इसमें भी जाते हैं, और ये आर्कमाइज की तरफ से स्पीकर इसमें आते हैं। तो अगर डैशबोर्ड डिज़ाइन की बात करें, तो मेरी नज़र में पूछे तो दोस्तों, सिट्रोएन का जो डैशबोर्ड है वो कुछ नया है। तो नई चीज़ें मुझे ज़्यादातर पसंद ही आती हैं, इसलिए मैं कहूँगा मेरे हिसाब से तो सिट्रोएन का डैशबोर्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओवरऑल दोस्तों, आपको कौन सा डैशबोर्ड अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेफ्टी वाइज बात करें तो यार, सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है आज के डेट में हर किसी के लिए। तो अभी सिट्रोएन की दोस्तों जो गाड़ियां हैं, अभी तक इनकी सेफ्टी टेस्ट C3 की भारत में नहीं हुई है। तो कितनी सेफ है, कितनी अनसेफ है, ये कह पाना मुश्किल होगी, क्योंकि ब्रीजा की दोस्तों सेफ्टी टेस्ट हो चुकी है और इस गाड़ी को मिले हैं 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग।
अगेन फीचर्स वगैरह दोस्तों हम क्विक कंपेयर सीरीज पे अभी नहीं आपको बता सकते क्योंकि अभी तक पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन आनी बाकी है, लेकिन हम आपको कीमत और मॉडल्स के बारे में जरूर बताएंगे। दोस्तों सिट्रोएन C3 भारतीय बाजार में तीन मॉडल्स में आ रही है। पहले का नाम है फील, दूसरे का नाम है फील टर्बो और तीसरे का नाम है लाइव। अब यहाँ पे दोस्तों ये तीन मॉडल्स आप देख रहे हैं, ये तीनों मॉडल, इसमें तीन ही मॉडल देखने को मिलेंगे और जो कीमत होने वाली है ये दोस्तों एक्सपेक्ट की जा रही है 5 लाख से 9 लाख रुपीस के बीच में आ सकती है। ये मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, कंपनी ने अभी इस पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन अगर सिट्रोएन इसकी कीमत को 10 लाख के अंडर रख देती है मेरे हिसाब से तो भाई ये कहर ढा देगी पूरे मार्केट में। वही बात करूँ ब्रीजा की, दोस्तों ब्रीजा को इस बार मैं कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस करके लाया गया है। पेट्रोल में 11 मॉडल्स आते हैं, एक्स शोरूम वाइज कीमत शुरू होती है 8 लाख से और टॉप वेरिएंट कीमत 14 लाख रुपीस तक जाती है। आई मीन 14 लाख रुपीस तक ब्रीजा के लिए पे करना है आपको एक्स शोरूम वाइज। तो यहाँ पे कीमतों के अनुसार बात करो तो मुझे दोस्तों ब्रीजा है इस बार मुझे लगती है थोड़ी सी कंपनी ने कहीं ना कहीं ओवर प्राइस की है, लेकिन दोस्तों इसमें कंपनी भी क्या करे, आजकल भारत में महंगाई इतनी बढ़ रही है कि गाड़ियाँ महंगी होंगी ये कोई आम बात नहीं है। वही बात करें दोस्तों अगर हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर के आधार पर आए तो देखिए सिट्रोएन मोटर्स अभी मार्केट में नहीं है और C3 इनकी दूसरी गाड़ी है, तो अगर ये 10 लाख के नीचे रखेंगे तो ये धूम मचा देगी। वैसे दोस्तों आपको सिट्रोएन C3 ज्यादा पसंद आ रहा है या ब्रीजा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो कंपेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।